आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें देश में, देश के विभिन्न भागों में तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र के सूखे के विशेष में 193 पर बोलने का आप आदेश दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम देखते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में ही बसती है, इसलिए कि हमारे किसान गांव में रहते और गांव में जिस तरह से खेती करते, उनका एक सोच है कि कैसे खेती करते हैं और कैसे हम सबों का पेट भरते हैं। किसान की मेहनत परिश्रम से ही हम लोग आज ताकत लेते हैं। और उनके जैसे, मैं किसान की बेटी हूँ, एक एक चीज को मैं देखती हूँ कि जब आंधी तूफान सूखा बाढ़ या प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो उनको कितना दर्द होता है, उनके फसलें कैसे नष्ट हो जाते हैं और उनका कलेजा टूट जाता है। तो ऐसी विपदाएं आती रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की स्थितियां को सामना करना पड़ता है उसको हम लोग आंखों से देखे हैं। जो आज एक वह विपत्तियां आई और देखते देखते ध्वस्त कर गया, हवाई अड्डा से लेकर हुदहुद से पूरे एकदम, जो जम्मू कश्मीर में कभी बाढ़ नहीं आता था, ऐसी स्थितियों को हम जब न्यूज में देखते थे तो हमारा दिल कांप जाता था, सब लोग त्राहिमाम करते थे। उसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर सहित समूचे उत्तरी बिहार में मानसून के दौरान भीषण बाढ़ आती है। पूर्वी चंपारण जिला के सिकरहना बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिससे मधुवन, चिरैया, ढाका, पकरी दयाल के तटबंध खतरनाक स्थिति में आ गई है। इस चीज को हम महसूस करते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के जानकारी के रहने के बावजूद इस पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन तटबंधों की दयनीय स्थिति के देखने से पता चलता है कि वर्षों से उक्त तटबंध में ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जिससे वर्षा के दिनों में नेपाल से निकलने वाली नदियां के जल प्रवाह से सिकरहना नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा लाखों हेक्टेयर फसल, बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत जिस तरह आज जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई थी, वहां तक किसान ही भरे हुए हैं। वह आज हमारे क्षेत्र में जैसे चनपटिया हुआ, सुगौली हुआ, लालबेगिया हुआ, चिरैया हुआ, ढाका हुआ, पकरी दयाल, कटैया, सेमरा, मोतीपुर तथा सिकरना बूढ़ी गंडक नदी 143 किलोमीटर बाया से दाया तटबंध ऊंचीकरण से सुदृढ़ का कार्य होने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि हमारा आबाद हो जाएगा और सिंचाई की सुविधा प्रदान हो जाने से लोग को नई जान आ जाएगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले की कृषि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी तथा बाढ़ से होने वाली तबाही से भारी आबादी से निजात मिल सकेगी। शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से रूनी सैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबा एवं 4 किलोमीटर चौड़ा कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50,000 आबादी एवं 12,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाता है। बाढ़ के दिनों में इस इलाके के किसान एवं आम लोग अमानवीय यात्रा के शिकार होते हैं। जीविका एवं आवास से मरहूम यहाँ के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें न रहने का जगह मिलता, न घर मिलता, न बाथरूम का जगह मिलता, न जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए चारा मिलता। ऐसे परिस्थिति को हम लोग देखते हैं और उनकी स्थिति से दयनीय पीड़ा हम भोगे हैं। और इसी के कारण है कि हमारे शिवहर जिला में माओवादी और नक्सलाइट ज्यादा उभर पड़े हैं। काहे कि उनका तो रोजगार छिन जाता है, उनका किसान का खेती गृहस्थी छिन जाता है, लास्ट में वो हथियार उठाकर अपना पेट भरने के लिए आगे निकल जाते हैं। ये भी एक कारण है। हमारे बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ जल के प्रवाह में बड़े पैमाने पर उक्त क्षेत्र में सिल्ट लेकर आती है तथा बागमती तट की क्षमता घटती जा रही है तथा 15 किलोमीटर क्षेत्र में जल जमाव सालों भर बना रहता है। इस जल जमाव से पशुपालन एवं कृषि कार्य को करने में काफी असुविधा
होती है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो परिस्थिति है, सूखा का भी वही स्थिति है। सूखा जब होता है लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, और जो केंद्र सरकार से मिलती, जो राज्य सरकार से मिलती, उसको पहुंचने में इतना विलंब हो जाता है, रास्ते में ही चटुकार खा जाते हैं। और वही कहा जाता है कि हर बहसो खर खाता है, अब बकरी बैठ के अचार खाता है, वहाँ पर बिच बिचिया अपना खा पी के मस्त हो जाता है, और हमारे किसान को नहीं मिलता है। शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित मेरा प्रदेश बिहार पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री के प्रेस में दिए गए बयान के मुताबिक राज्य में सूखे जैसी स्थिति है। बिहार में अब तक हुए बारिश में 20% की कमी आई है। बहुत ही कम हुए बरसात के कारण अब तक सिर्फ 41% धान के फसल की रोपाई हो पाई है। यह तो समझा जा सकता है कि मौसम पर तो किसी का बस नहीं है, परंतु सूखे से निपटने की अच्छी व्यवस्था होने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। वैकल्पिक तरीकों से सिंचाई, जैसे बोरिंग, ट्यूबवेल इत्यादि करके खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराकर, उन्नत सब्सिडी आज बीज उपलब्ध करा कर खेत को अच्छी की जा सकती है। वैकल्पिक फसल लगाकर इसमें कम पानी का उपयोग होता है, जो सूखे की समस्या से उन लोगों को छुटकारा मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्राकृतिक त्रासदी में अविलंब छुटकारा मिलना चाहिए, और इसमें हमारे केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। सूखे के प्रगति पर, सूखे के प्रति जागरूकता, सतर्कता एवं भरपूर समर्थन देकर हम वाकई मजदूर, ग्रामीणों एवं किसानों के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हैं, प्रकृति विपदा तो आती ही रहती है, उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन सच ही कहा है कि विपत्तियां जब आती है तो कायरों को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 750 करोड़ एक बार रुपया करोड़ों देकर, और कितने करोड़ों देकर जो उजड़ गया था उसको स्थापित करने का काम किए हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। आज प्रधानमंत्री जी का कोशिश बेकार नहीं जाएगी। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत, किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है।